इसके देखिए, ये पूरा खिलाफ प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान नैब के ऊपर, पूरा प्रेशर डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये जो सारे जजेस चले जाते हैं और फिर वो एक सबसे बड़ा वो जो एक और फ्रॉड है वो एहसन इकबाल इकामा, उसका भी बाहर एक काम है। दूसरा ख्वाजा आसिफ, सोचे हम मुल्क का वजीर 50,000 दिरहम वहां से महीने की तनख्वाह ले रहा है दुबई से। ये सारे जो है, इन सबका इंटरेस्ट है कि निजाम बचा रहे। मैं हम देख रहे हैं सारा, ये वजीर जो सारी कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम ज्यादा देर नहीं देखेंगे। अगर हमने देखा, मैं पब्लिक में निकला हूं, मेरा सारे, आपने दिसंबर में कहा भी है कि सड़कों पर आ जाएंगे। हाँ, देखिए ना जी, देख तब तक पता चल जाएगा कि क्या ये VIP इत्तेसाब होगा या नहीं होगा, या ये VIP ये सारे ड्रामे करते रहेंगे और मजलूम बने रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, लोगों को धोखा देंगे, हम देखते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंसानों का ऐसा समुंदर निकलेगा बाहर, हम निकलेंगे इस मुल्क के, ये जो छोटा सा करप्ट माफिया बैठा है, जो कब्जा करके बैठा हुआ है इस मुल्क को, हम फिर इनके खिलाफ निकलेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि क्या कानून चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, क्या ये VIPs को भी कभी इस मुल्क का इत्तेसाब का निजाम कभी इनको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करेगा, या ये हमेशा बचते रहेंगे।